अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। और क्या बोलती है पब्लिक? आज हम लोग बात करेंगे बकरों को जो गाट होती है उसके बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। गाट होती है कभी देखो पैर के तरफ हो जाती है, ऊपर साइड में, गर्दन पे, कमर के पास। तो ये गाट, चार तरह की गाट होती है। एक तो कैंसर की गाट होती है, दूसरी मेवात की होती है, तीसरी वो इंजेक्शन मारने में कोई गलती से अप एंड डाउन हो जाता है उसकी होती है, और चौथी खुजली की होती है। तो गाँट का ऐसा है, कैसा पहचाने जाए क्या भाई ये गाँट खतरनाक है और क्या है? तो गाँट को दबा के देखना है। गाँट को अगर दबा के देखोगे आप, और गाँट में जानवर जब दर्द बताएगा तो वो डेंजरस गाँट है। पेन बताएगा, दर्द बताएगा, तो वो डेंजरस गाँट है। तो उसके लिए आपको डॉक्टर को ही बुलाना पड़ेगा उसका इलाज। अगर दर्द नहीं बताता है तो डीसी 4 से 5 दिन के लिए हाफ हाफ डीसी देना है, ठीक है। एजी टेबलेट है 250 या 500 की, 4 से 5 दिन के लिए, सुबह शाम आदि आदि देना है। छोटे बच्चे हैं तो, बड़े बच्चे हैं तो एक एक देना है। और मेलोनेक्स टैबलेट आती है 250 या 500 की, वो भी आपको 4 से 5 दिन देना है। छोटे बच्चे तो आधी है और बड़े बच्चे तो एक एक। ये नॉर्मल है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा दे देगा। अगर दर्द बता रहा है जानवर तो आप मेहरबानी करके डॉक्टर को बुलाए, अपना खुद का एक्सपेरिमेंट मत करे, कुछ नहीं करे। दर्द नहीं बता रहा है तो जो मैंने बताया हूँ वो इलाज करे। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अपने अम्मी अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।